एक तरफ जहां योगी सरकार शिक्षा को लेकर सजग है, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए मिशन कायाकल्प के अंतर्गत तरह तरह के प्रयास कर रही है। बच्चों के यूनिफॉर्म से लेकर एमडीएम तथा बैठने की व्यवस्था पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सरकार प्राथमिक विद्यालय के प्रति अध्यापकों पर हजारों रुपए प्रतिमाह खर्च कर रही है। वहीं इसके विपरीत सरकारी विद्यालयों के अध्यापक अपनी मनमानी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। औपचारिकता निभाते हुए उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपने निजी कार्य हेतु विद्यालय से निर्धारित हो जाते हैं। विकास का लहरपुर के ग्राम कुलताजपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। बताते चले, तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय कुलताजपुर की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जब इंडिया की टीम पहुंची तो वहां देखा कि विद्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। विद्यालय में 5 अध्यापक, जिनमें प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार, सहायक अध्यापक सत्येंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार, उदय प्रताप सिंह तथा शिक्षा मित्र पवन कुमार तैनात हैं। जानकारी करने पर पता चला कि प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार सहित अन्य अध्यापक पुस्तक वितरण हेतु बीआरसी मुख्यालय तथा चुनाव ड्यूटी के लिए गए हुए हैं, जिनके द्वारा अपना कार्य उपस्थित रजिस्टर पर भी अंकित किया गया था। वहीं शिक्षा मित्र पवन कुमार विद्यालय में मौजूद मिले तथा सहायक अध्यापक संतोष कुमार के हस्ताक्षर तो उपस्थिति रजिस्टर पर थे, लेकिन वो मौके पर नहीं मिले। उनके बारे में जब शिक्षा मित्र व रसोइयों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो दवा लेने के लिए गए हुए, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे तथा मेडिकल लीव की कोई सूचना लिखित रूप में नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही विद्यालय में पंजीकृत 151 बच्चों में मात्र 17 बच्चे उपस्थित मिले, ज्यादातर कक्षाएं खाली मिली। सहायक अध्यापक संतोष कुमार के बारे में जब प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो दवा लेने के लिए चले गए, लेकिन लिखित तौर पर मेडिकल लीव की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जिन अध्यापकों के कंधों पर प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी डालती है, जब वही विद्यालय से नदारत रहेंगे तो बच्चे किससे पढ़ने के लिए आएंगे। इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अध्यापक संतोष कुमार के मेडिकल की कोई सूचना उनके पास नहीं, यदि वो उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर चले गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वही विद्यालय में मौजूद रसोइयों से जब जानकारी की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आ रहा है सर, तो चले गए। हाँ, हमसे संतोष बता ही रहा है कि हम घर जा रहे हैं दवा लेने, अभी हम जा रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।